वैसे तो आपने बहुत सारी सब्जियां पनीर की खाई होगी, लेकिन ये वाली सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है और बनाने में बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। अभी मैं डाल रही हूँ 10 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक। इसको 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, और इसको 10-15 सेकेंड के लिए अच्छे से भूनेंगे। प्याज को भून के अब टमाटर ऐड कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पे 5-6 काजू डाल लूँगी। आपके पास अगर क्रीम हो तो आप क्रीम यूज कर सकते हैं। काजू डालने से या क्रीम डालने से जो ग्रेवी का टेक्सचर है ना, काफ़ी क्रीमी होता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बन के रेडी होता है सब्जी। इसे 3-4 मिनट तक सॉफ्ट होने तक भून लें। जब तक ये भून रहा है तब तक हम लोग पनीर की तैयारी कर लेंगे। पनीर में मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसको हाथ से ना मिक्स करें, या तो चम्मच से मिक्स कर ले या फिर ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। इसमें मिर्ची है, हाथ में लगेगा। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अभी आप देख सकते हैं हमारा प्याज और टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से भून गया है। तो इसे अब हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करके इसका ग्रेवी का पेस्ट बना लेंगे। अभी पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। इसमें पनीर डाल के 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि पनीर को ज़्यादा देर तक ना फ्राई करें, नहीं तो वो रबड़ जैसे हो जाता है। अभी हमारा पनीर हो चुका है, अभी हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल गरम करके उसमें 1 चम्मच जीरा डाला है, और 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल लिए हैं। अभी मैंने प्याज डाला है टुकड़ों में काट के, इसको तल लेंगे। जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं तो कोई कोई प्याज हमको ऐसे ही मिलता है, वो लोग इसी तरह से बनाते हैं। अभी मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा गलाए नहीं। अभी हमने जो टमाटर प्याज का पेस्ट रेडी किया था वो यहाँ पे डाल के इनको अच्छे से चला लेंगे। अब देख सकते हैं कि अपना ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी और सॉफ्ट दिख रहा है। अभी मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ग्रेवी का टेक्सचर काफ़ी अच्छा दिखने लगा है। यहाँ मैं ऐड कर लूँगी नमक स्वाद के अनुसार। अभी मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया है। मसाले में अगर तेल छोड़ दे तो समझ जाइए कि मसाला अच्छे से पक गया। अभी मैं पानी डाल लूँगी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर लें। मुझे ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी चाहिए थी, इसके लिए मैंने थोड़ा कम ही पानी ऐड किया है। अभी हमारा ग्रेवी काफ़ी अच्छे से हो गया है। अभी मैं पनीर डाल लूँगी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी कितनी अच्छी दिखने लगी है। इसको हम लोग 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अभी 2 मिनट हो चुका है, अभी हम अपना प्लेट हटा कर देख लेंगे। हमारी सब्जी काफ़ी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। तो बताइए कैसी बनी है हमारी सब्जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।